हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पास में मोबाइल है, कीपैड मोबाइल हीरो कंपनी का। इसका चार्जिंग पिन ख़राब हो चुका है, तो इसको चार्जिंग पिन हमको रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। ये हमारा चार्जर दूसरा मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है तो ये मोबाइल में नहीं हो रहा है। तो फिर आइए इसको देख लेते हैं खोल के, और स्टेप बाय स्टेप आपको चार्जिंग पिन रिप्लेस करना भी सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ये मेरा माइक है, इसको निकाल दिया। निकालने के बाद में अच्छी तरीके से साफ करके इसको, जो कीबोर्ड का स्ट्रिप जो है उसको निकालेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें हाथ लगना नहीं चाहिए, नहीं तो ये फिंगर्स का लगने से इसका ये ऑयल, हल्का सा भी ऑयल लगने से ये ख़राब हो सकता है ये हमारा कीबोर्ड। तो नया चार्जिंग पिन ले लिया हमने। ये चार्जिंग पिन को रीसोल्डिंग करना है हमको, ये पेस्ट लगा के ही करिए, अच्छा रहेगा। मैं तो यही करता हूँ, आप लोग पता नहीं। तो हीट को 350 डिग्री में रखना चाहिए, इसी हिसाब से रखिए फ्रेंड्स। तो हमने हीट करना चालू कर दिया है, तो इसको निकालना पड़ेगा ये चार्जिंग पिन को। हल्का हल्का लाइट हीट करके निकालना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है बोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको रीसोल्डिंग कर देंगे हम लोग, नया वाला जो चार्जिंग सीसी है, पिन है उसको। तो मैंने इसको रीसोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर भी करना पड़ेगा, जो सेंटर में है इसको करने से फ्लेक्सिबल रहेगा हमारा चार्जिंग पिन। तो हल्का इसको सफाई करना पड़ेगा। ये सफाई हो चुका है, तो हल्का सा पेस्ट लगा देंगे हम लोग। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो इसको जो ब्लोअर है हम लोग का, वो बैक साइड से ही हीट करेंगे, ऊपर से हीट करके चार्जिंग पिन लगाएंगे तो हमारा चार्जिंग पिन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है इसलिए। तो देखिए किस तरीके से हम लोग हीट करके इसको लगाएंगे, जो आसानी से हमारा चार्जिंग पिन बैठ जाएगा। तो देख लीजिए, इसका बैक साइड से ही हीट करना। देखिए हमारा जो ब्लोअर है वो चार्जिंग पिन का बैक साइड से बोर्ड में हल्का हल्का हीट करके इसको बैठा रहा हूँ। इस तरीके से करने से चार्जिंग पिन ख़राब नहीं होता है लगाने के टाइम में, और फ्लेक्सिबल यानी कि मजबूती से बैठता है। तो ये बैठ चुका है हमारा चार्जिंग पिन। फिर से इसको रीसोल्डिंग करेंगे हम लोग पिन को, ताकि ढीला ना हो। तो ये वाला पेस्ट ही हमने लगाया था ना जो वो टाइम में, वही पेस्ट लगा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पेस्ट हमारा लग चुका है। तो हमने इसको रीसोल्डिंग भी कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और कीबोर्ड को है जो, उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई करके ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा कीपैड बाद में कस्टमर कंप्लेन देता है। तो इसलिए हमने पूरा सफाई से इसका कीबोर्ड लगा दिया है, और लास्टिंग भी करता है। ये नहीं कि ये कीबोर्ड लास्टिंग नहीं करेगा, इस तरीके से करने से कीबोर्ड में जल्दी से धूल लग के कीबोर्ड ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग लगा दिया है। तो बैटरी लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे एक बार। हमने इसमें चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चार्ज हो रहा है। आर्क ब्लॉक भी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। माइक लगाना हमने भूल गया था, तो हम माइक भी लगा रहे हैं इसको।
ये हमारा लग चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसका डिस्प्ले बहुत नाजुक रहता है, डिस्प्ले को देख के ही आपको खोलना चाहिए और बंद करने का टाइम में बहुत होशियार से डिस्प्ले को चेक करना फ्रेंड्स, क्योंकि इसका डिस्प्ले ये हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और नया आया है तो सब्सक्राइब भी करिए।